मुलाहजा कीजिए जंबील नामा की अड़सठवीं किस्त जमीला हाशमी की तहरीर शेरी महर कतार अम्मा के नाम आया शेरी को ब्रिटिश एयरवेज़ की फ्लाइट तीन दो से ले लीजिएगा सख्त गुस्सा आया मैंने उसे लिखा था तुम शेरी को यहाँ क्यों भिजवा रही हो अम्मा अपना ख्याल तो ढंग से नहीं रख सकती उसका क्या करेंगी तमज सलीकेके का कोई नौकर इन दिनों मिलना मुश्किल है और जो हैं वो भी बेहतर जगहों की तलाश में यहाँ अनमने दिल से रह रहे हैं जब तक पापा थे तो सब कुछ था अब तुम्हें मालूम ही नहीं हो सकता मैं अकेले यह घर की कश्ती कैसे खे रही हूँ परेशानी और शदीद मसरूफियत का शिकार रहती हूँ उम्मीद है तुम अपने फैसले पर नजर ानी करोगी और जिद्दी होने के बावजूद मेरी बात में तुमको वजन मालूम होगा मेरी बहन हमेशा की बदतमीज़ बेमुरत और अपने सामने किसी को कुछ न समझने वाली थी और मुख्तसर नवीस होने के बावजूद उसने मुझे सफ़ों का कोसनों तानों और गालियों से भरा ख़त लिखा यही कि घर पर उसका भी उतना ही हक था जितना किसी और का था शादी के बाद लड़कियों का मैके से कोई नाता टूट तो नहीं जाता कि उसे भी अपने लिए इतनी सहूलत लेने में कोई माने नहीं हो सकता था अम्मा भी सबकी थीं और अगर ज़रूरत पड़े तो मदद भी कर सकती थीं और ये कि मैंने कब से अपने आप को इस घर का मालिक तस्वर करना शुरू कर दिया था पापा नहीं थे तो क्या हुआ मकान पर तो अब भी उन्हीं का रुपया सर्फ होता है शहरी यहाँ रह सकता है और अम्मा खुद ही उसके लिए मुनासिब देखभाल का बंदोबस्त कर लेंगी फिर आखिर में ये कि मेरी तनहा उजाड़ जिंदगी और वीरान दिनों की जिम्मेदारी सिवाय मेरे अपने किसी पर न थी मेरी तेज़ मिजाजी और ज़बान दराजी और दूसरों से ज़रूरत से ज़्यादा तो नालायक दोस्तों की वजह से मामला यहाँ तक पहुँचा था वरना वो कर्नल क्या बुरा था जो तुम्हारे पीछे फिरा करता था ये और बात है कि उसने तुमसे दोस्ती के दौरान दो चार और लड़कियों से भी ताल्लुक उसवार कर रखे थे मगर तुम्हें खुद मालूम है तुम पर तो मुकम्मल भरोसा आखिर वक्त तक नहीं किया जा सकता तुम तो बस खूब से खूब तर की तलाश में सख्त वफादारी को खोजती रही हो जो मेरी जान इस जहाँ में मातूम है भला मर्दों को गुलाम बनाकर उनका इम्तिहान लेकर तुम कभी किसी नतीजे पर पहुंच सकी हो तुमने दुनिया के मर्दों को अपने कदमों तले देखना चाहा है तुमको अपने मोहूम हुसन पर क्या क्या नाज रहे हैं जिसने दो कौड़ी को नहीं पूछा समझती हो तुम्हारी चमकती हुई आंखों के शहर में कोई गिरफ्तार होगा कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। खत पढ़कर मैंने सोचा हटाओ मारो गोली अगर शहरी को वो अम्मा के पास भेजना चाहती है तो मेरी बला से मैंने उस बेहुदा तहरीर का भी कोई जवाब नहीं दिया था जब वो अकल की बात सुनने की ताब ही नहीं रखती तो काहे सुनाई जाए और फिर महर से की किताबत की इस लड़ाई में हार हमेशा मेरी होती थी वो अम्मा की लाडली बहन भाइयों की चहेती थी रुस्तम ने उसे घर का सुकून दिया था जो उसकी ताकत और उसका मान था फिर उसकी बेटी नूर तो उसकी दीवानी थी और इसलिए वो मेरी वीरान जिंदगी का मजाक उड़ाया करती थी उसका तार पड़कर मैं जल भून गई अम्मा खुद जाती फिरें शहरी को बुलाने कराची कम अज कम इस वाहत खत के बाद मेरा तो इस सारे वाक से कोई सरोकार नहीं रहा था अम्मा जाने और महर जाने फिर एक सहपैर जब मैं अपने दफ्तर से आई थी अम्मा अपने सूजे घुटने और सख्त टांगे घसीटती आईं ऐ लड़की सीट बुक करवाली है क्यों लो और सुनो क्यों भला इस हालत में मुझसे कराची जाया जाएगा तुम्हारे वालिद के बाद से यूं भी अकेले जाना मुसीबत लगता है सफर करने का मजा तो उनके साथ था पूरा डब्बा अपना है बस चले चले जा रहे हैं खाते पीते हंसते हंसाते जैसे अपने घर में हों वो यादों में गुम सी हो गई गुजरे जमानों में रेल के हिचकोलों से उन्हें जैसे नींद आने लगी हो चुपचाप दूर देखती हुई बैठी रही फिर अचानक कहने लगी आखिर तुझे जाना ही पड़ेगा खर्च का फिक्र ना करो तू मेरे लिए इतना सा भी काम नहीं कर सकती बिना कोई और सवाल किए मैंने स्टेशन फ़ोन किया फ्लाइट लेट थी मैं इंतज़ारगाह में लोगों के जमे गफ़ीर के दरमियान टहलती रही दौलत की तलाश में पराए देशों को जाने वालों की आंखों में आंसू और ख्वाब बच्चे और सामान ट्रालियाँ कुली गरजते हुए लैंड करते जहाज गड़गड़ाहट से सरों के ऊपर से गुजर कर मंजिलों को रवाना होते हुए तैयारे, आवाज में रोना हंसी बिछड़ना वादे चाहतें मजीद आज़ुएँ एक गंगा जमनी भीड़ नई रोशनी की तेज लड़कियाँ अजीब तराश खराश के लिबास पहने खुद आगाह बाल झुला झुलाकर सर को घुमाकर अपने गिरदो पेश देखती हुई खनकते है, गूंजती हंसी तेज अंग्रेजी ऊंची गुफ्तगु दिखावा बनावट पसंदीदा नज़रों के हिसार में अपने शहर से आशना जिन्हें देखकर बेअ्तियार सीटी बजाने को जीचा है लड़के मजह का खेज चूहों की तरह फिल्मों के हीरो लड़कियों के ग्रोहों के गिर चक्कर काटते हुए अपने बालों के साथ दिलचस्पी से उड़िया निगाहों से अपने गिरदो पेश निगाह दौड़ाते नीचे सरों में बातों के सैलाब में बहते हुए मगन मसरूफ ऊपर ऊपर घूमते फिरते हुए घाक शिकारियों के सारे दाव पेच से आशना मैं टहलती हुई जरा परे जंगले के साथ दूर चली गई और उससे सर लगाकर मीलों तक फैले हुए रनवे की तरफ देखने लगी जहां छोटे बड़े जहाजों की भीड़ थी सीढ़ियां घसीटती और लगाई जा रही थीं, एक भगदड़ मची थी अमले के लोग मोटरें सामान और जाने क्या क्या उस मंजर से थककर मैंने अपने अतराफ देखा लड़की के रुखसार घड़ी घड़ी गुलाबी हो जाते कान सेबों की तरह सुर्ख़ी से चमकने लगते वो दोनों चुप थे एक दूसरे से बहुत करीब भी न थे लड़का मेरी तरह अपने सामने देख रहा था मगर जब वो सर घुमाकर उसकी तरफ देखता तो वो यूं छुई मुई सी अपने हाथों तक उंगलियों की पोरों तक रंगीन हो जाती हाय ये निकाह की रंगीनी थी भीगी हुई चुनरी की तरह की ये लड़की रंग में डूबी थी सरशार बेचैन पुरसकून मुझे वक्त घसीट कर पीछे ले गया इस जंगले से दूर उन बरामदों में जहां ऊंची एड़ी का जूता पहने खट खट करती चली थी गोया जेबा इस के दिल पर चल रही हूँ जेबा को अपने ईरानी होने पर नाज था वो अभी अभी नया आया था और लेक्चर देते वक्त जब वो समझाता और सीधा तुम्हारी आंखों में देखता तो दिल सीने में डोल जाता था मैं जिसे अपनी शोखी पर एतमाद था समझती रही कि वो कहाँ जाएगा चंद दिनों में उसका गुरूर न्याज में और उसका सर मेरे कदमों में होगा ऐसी छोटी छोटी फतूहत से तो मेरा दामन भरा हुआ था जेबा तो उसे दर खोरे इतना भी ना समझती थी चंद दिनों बाद मुझे और अच्छा लगने लगा वो क्लास में जब भी ज़ेबा की तरफ देखता मैं महसूस करती कि जेबा की लंबी पलकें रुखसारों पर झालड़ की तरह झुक जाती और वो गुलाबी हो जाती अजीब खुद फरामोशी से वो उसकी निगाह का जवाब देने के बजाय अपने सामने दोनों हाथ रखे नाखूनों की तरफ देखती जिसमें सुर्खी तेजी से झलकने लगती थी अच्छा तो इस खेल में कहीं कोई गलती हो गई है ये अजीब बेकायदा मुसलस थी दरमियान में वो था और उसकी निगाहों की सारी रोशनियाँ उसके लिए थी और मैं थी जो उसके लिए कुछ न थी और जिसका दिल क्लास में आने से पहले और बाद में सारा दिन यूं ही धड़का करता था एक दहकती हुई गर्मी मेरे सारे वजूद को तड़पाती रहती मगर मेरा हुसन जहां सोज बेकार मेरी आज तक की फतूहत गलत थी मैंने इतनी जिल्लत कभी ना उठाई थी मैं उसके पास से गुजरती भी तो वो मेरी तरफ मुड़ कर देखता रोज मेरे लिए एक नया मुकाबला होता था मैंने अपना आप आजमाना चाह और मैं में से गुजर गई मैंने उसे पैगाम भिजवाया रात को दरवाज़ा खुला रखना मैं जेबा का एक खास पैगाम लेकर आऊंगी वो खुशी से तकरीबन दीवाना हो गया था जैसे उसने सुर्ख गुलाबों का अक्स अंधेरे में देख लिया हो जैसे तारीख पानियों पर डोलते कवल के होटों को सूरज की किरण छुए और वो हौले हौले खिलने लगे मेरे सीने में दिल को कोई चुपके चुपके मसल रहा था मैं जैसे मौत के बंद किवाड़ों को खोलने जा रही थी अपने मुकद्दर के नविते को पढ़ने के लिए मैंने रो रो कर उसे अपना हाल दिल सुनाया मैंने कहा था जेबा खाब है तुम उसे कभी हासिल ना कर सकोगे वो पराए देश चली जाएगी तो लौट कर नहीं आएगी आ ना सकेगी उसका वतन कोई और था मैं तुम्हारी ज़िंदगी सवारूंगी। मेरे पास जराए थे ख़ानदान था वो निगाहों में तमस्ख लिए नहाय खामोशी से मेरी बातें सुनता रहा उस घड़ी मुझे लगता था मेरी रूह टुकड़े टुकड़े होकर खिड़चियाँ होकर मेरी आंखों से बह रही है मैं टूटे हुए शीशे चबा रही हूं और अभी गिरकर बेहोश हो जाऊंगी उसने हंसकर कहा था बीबी चाहत को तुम क्या समझती हो कि जब चाहो कीमत चुकाकर खरीद लो या ये चराग है जब तेल दिखाओ जलने लगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता अब तुम जा सकती हो जब वार्डन ने मुझे उसके कमरे से निकलते हुए देखा तो मेरा रंग हल्दी की तरह जर्द था चेहरा आंसुओं में धुला हुआ आंखें धुंधलाई हुई थीं और मैं तकरीबन गिरी जा रही थी रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी उसे दो बातों में से एक को चुनने का इख्तियार दिया गया वो मुझसे शादी कर ले और यहीं ठहरा रहे या फिर खुद इस्तीफा पेश कर दे और चला जाए हाय कैसे उसने इनकार कर दिया था और चुपचाप चला गया था उसने मेरे बदले वो जिल्लत कबूल कर ली थी मेरी कीमत ज़िल्लत से भी कम थी अर्जा अर्जा बेक़ीमत में उसके जाने के बाद मर्दों पर से मेरा एतबार उठ गया अपने हुसन की चमक भी धुंधली और बेकार का फसाना लगी मेरे चारों तरफ खला था जिसमें लड़कियों के कहे गूंजते और उनकी निगाहें तीरों की तरह मेरे आर पार हो जाती मगर मैं सर ऊंचा किए जेबा इस के दिल पर चलती रही बेपना खुद के साथ क्योंकि मैं आग की महराब तले से गुजर चुकी थी और मैंने अपना सारा माजी सारा मुस्तकबिल जला डाला था मैंने मोहब्बत की खुशबू के बदले अंगारे सूंगे थे और दिल जलने की बू सारी उम्र मेरे दिमाग में तैरती रही हाय मुझे कभी किसी ने ऐसे क्यों नहीं चाहा कि मैं रंग से भीगी हुई चुनरी लगूं? ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट के लैंड करने का ऐलान किया गया तैयारा रनवे के दूसरे सिरे पर एक बड़े परिंदे की तरह उतरा फिर वो उसे और करीब लाए सीढ़िया मुसाफिरों को लाने के लिए लारियां सामान के लिए गाड़िया रौनक और चहल पहल हो गई फिर लोग अपने सामान के साथ बाहर आने लगे सबसे आखिर में वो उसे लाए खूबसूरत पिंजरे में चमकते हुए सुनहरी बालों वाला रोशन और जहीन आंखें थूतनी न बहुत लंबी और न ही छोटी साफ सुथरा धुला धुलाया बेहद स्मार्ट कॉलर पहने बड़ी बेपरवाही से अपने गिरदो पेश देखता हुआ कभी सर अपनी अगली फैली हुई टांगों पर रख लेता और आंखें बंद कर लेता मुझे वो बहुत उमदा लगा मैंने पिंजरे के साथ साथ चलते पुकारा शेरी शेरी उसने हवा में नाक उठाई कोई मानू सी बू और से मुझे देखा उफ उफ़ किया जैसे पुकार का जवाब दे रहा हो और फिर मुंह अपनी टांग पर रख लिया उसका सर हिल रहा था जैसे वो हाँप रहा हो चल चलकर थका हुआ बैठा हो एयर होस्टेस ने उसकी जंजीर मुझे थमाई उसके साथ एक खत भी था काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और शहरी को ना भेजा होता उससे जुदा होते वक्त हमारा दिल कट कट गया है रुस्तम उदास है नूर बहुत रोई है और मैं तो बाकायदा गमजदा हूँ जब वैन उसे लेने आई है तो ये उनसे छुट घर में घुस गया और गसल में छुप गया बड़ी मुश्किल से उसे घसीट निकाला गया ये हमें बहुत अजीज़ है तकरीबन एक फ़र्द की हैसियत से इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं यह बहुत मोहब्बत करने वाला है और उम्मीद है तुम अम्मा के घर में सारी कोशिशों के बावजूद इससे नफरत नहीं कर सकोगी तकलीफ फरमाई के लिए शुक्रिया हम लोग कल जद्दा रवाना होंगे अलविदा एयरपोर्ट से बाहर आकर मैंने वो जंजीर उसके कॉलर में अटकाई उसने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा मेरे हाथों को सूंगा महर की और मेरी महक एक सी होना चाहिए उसने बिना मुजाहत के जंजीर के साथ मुझे अपना मालिक तस्लीम कर लिया मैंने उसे बिस्किट दिया जो उसने खा लिया और पानी पी कर हम दोनों अम्मा की तरफ रवाना हुए ट्रेन में वो सीट पर बैठा शीशे के साथ मुंह लगाकर बाहर झांकता रहा खेतों नदी नालों और उन सब पर झुका नीला आसमान धूप रोशनी की तरह भरी हुई और बहुत तेज वो उस नई जमीन से वाकफियत पैदा कर रहा था जिसकी आम आदमी को ज़रूरत नहीं होती वो उसके रंगों और खुशबुओं और बदलते मनाजिर दरख्तों और हवाओं को जेर कर रहा था जहाँ टिमटिमाती बत्तियों पर और दूर जलते चराखों पर स्या अब्रलूद रात छाई हुई थी और चांद सितारों के साथ आंख मचोली खेलता फिरता था शेरी की तन्हाई और गरीबुल वतनी ने मेरे दिल को आंसुओं से भर दिया अम्मा बीमारी के बाद से खाब आवर गोलियां खाने लगी थीं और इसलिए दिन चढ़े तक सोया करती मैं दफ्तर जाने के तकरीबन तैयार हो चुकी होती तो वो शहरी कहकर पुकारती नहायत तमीज़दारी से मेज़ के करीब नीचे बैठ कर वो अपने प्याले में कभी दूध और डबल रोटी कभी गोश्त खाता नहायत चबा कर आहिस्ता आहिस्ता जैसी कोई आहट भी ना करना चाहता हो अम्मा कहती मेहर ने इसे क्या उंदा पाला है आदमी के बच्चों से ज्यादा तमीजदार है उन्हें खाही न खाही मेहर की तारीफ करने की आदत सी थी मौसम बदला दर्जा हरारत बढ़ने लगा गर्मी में तेजी आ गई और शहरी बहुत घबराया हुआ रहने लगा हाँपता हुआ जबान लटकती हुई तेज सांस लेता हुआ अम्मा उसे अपने साथ कमरे में बंद रखती शाम को मुझे कहती जरा इसे टहला दिया कर बेचारा परदेश में आन फंसा है मेहर ने जुल्म ढाया है भला सर्द मुल्कों से आकर यहाँ तो लोग ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते ये तो जरा सा बेजबान जानवर है और यूं शामों को जब गर्म रेत की ठंडक मिलने लगती हवा नर्म नर्म झोंकों से काबिल बर्दाश्त हो जाती मैं शहरी को टहलाने ले जाने लगी वो सायों पर भोंकता टिड्डों की चर्चर सुनकर खामोश खड़ा होता जैसे किसी दूर के सयारे की सिम्फनी या किसी देश की मौसीकी हो फिर भागता और उसकी छोटी सी दुम उठी हुई होती घास पर उल्टा लेटकर लोट लगाता और जुगनों को पकड़ने की कोशिश करता फिर उफ उफ करता और मेरे कदमों में झुकता फिर चक फेरियाँ लेता और मेरे साथ चलता रहता बिल्लियों के पीछे भागने में उसके सुनहरी बाल सीधे खड़े हो जाते और वो तेजी से उन पर झपटता जब वो दो बिल्लियाँ इकट्ठी होती तो उससे जरा ना डरती उसे थप्पड़ मारती बेचारा चूं चू करता और दुम दबाकर मेरी टांगों से लगकर खड़ा होता कोया पनाह गाह में हो कभी चिड़ियों को देखकर आंखें बंद करके सोता बन जाता वो उसकी गर्दन पर आ बैठती जैसे उसकी परवाह ही ना करती हों कभी एक आध को पंजे से दबोचकर बैठा रहता जब वो दिल की तरह खौफ से धड़कने लगती तो यक भयक उसे उड़ाकर तमाशा देखता उसकी तबीयत में जरर रसानी न थी इसलिए घर में जो मेहमान आता शहरी से उसका तारुफ करवाया जाता अम्मा उसकी नस्ल और मुल्क और उसके अंग्रेज़ी जबान समझने से बहुत मरूब थी, फिर और ख़ूबियाँ तमीज़दारी उंदगी खेल और खाने के आदाब सब उसकी वक़्त में इजाफा थे अम्मा के सुबह देर में उठने की आदत ने मुझे शहरी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने पर मजबूर कर दिया था मैं तैयार हो रही होती तो वो पास ही डोलता रहता मेरे जूते लाकर क़रीब कर रख देता मेरे हाथ से कोई चीज़ छुट जाती तो लपक कर मुंह में उठाकर मुझे पकड़ा देता और अब मैं अक्सर उसके बालों में कंघी कर देती और उनके सुनहरे मुलायम बहाव को महसूस करके मेरा जी खुश होता अगर कभी मैं महर की पसंदीदा खुशबू लगा लेती बस दीवाना होने लगता मेरे गिरद घूमता मेरे दामन पर अगले दोनों पाँव रख देता मुझे सूंघता यूं मकता जैसे गोद में आना चाहता हो मगर मैंने किसी भी बात से मुतासर होने और महर की किसी शय को पसंद ना करने की जी ही जी में कसम उठा रखी थी और शहरी की ये सारी हरकतें मुझे छू ना सकी, अलबत्तः जानवर की जो मुमकिन देखभाल हो सकती थी उसमें मैं अम्मा का हाथ बटाती और यूं मैंने हौले हौले उसका ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया शदीद गर्मी के दिन थे लू चल रही थी झुलसाए देती थी दफ्तर से आकर मैं सख्त ठंडे पानी से नहा ली और तकरीबन बेहोश हो गई फिर यकदम तेज बुखार आ गया अम्मा घबरा ही गई होंगी कि उन्होंने इधर उधर मेरी दोस्तों को फ़ोन किए कई दिनों हजानी कैफियत रही और फिर लोट पोट कर मैं तंदरुस्त हो गई शरी मुझे दुबला लगा और बहुत ही बे और उदास भी उस दिन मैंने पास बुलाकर उसके सर पर हाथ फेरा और उसके प्याले में गोश्त डाला अम्मा कहने लगी इसे देखो तुम बीमार क्या हुई इसका तो खाना पीना ही छूट गया दिन रात तुम्हारे पलंग की पैंती के नीचे बैठा रहता जैसे इसे तुम्हारी बीमारी की बहुत फिक्र हो अपनी औलाद से भी बढ़कर हंसकर मैंने शेरी की तरफ देखा एक एहसास तशक्कर इस भरे पूरे घर में कोई तो है जो मेरे लिए परेशान हुआ अम्मा फिर बोली चलो आज इसके मुंह पर रौनक तो आई मुझे तो सख्त फिक्र लग गई थी कहीं ये मर ही ना जाए अजीब जानवर है अपने असल मालिकों को भूल कर तुमसे इतना हिल गया है मैंने चिड़चिड़ा कर अम्मा से कहा क्या मतलब है आपका मुझसे अगर एक जानवर भी मानूस हो तो आपको ऐतराज होता है अरे नहीं बदनसीब मुझे किसी बात पर ऐतराज़ नहीं है अगर तुझसे कोई इंसान ऐसे मानूस हो तो मेरा बोझ न टल जाए मगर तेरी सख्त तबीयत की वजह से कोई तेरे करीब ही क्यों आएगा हर किसी को तो काट खाने को दौड़ती है लोगों को फरिश्ता चाहती है ऐसी उम्र में कौन ऐसा वफादार मिलेगा मेरी और अम्मा की खूब तो मैं मैं हुई किसी ने खाना न खाया हम दोनों रकीबों की तरह एक दूसरे पर चीखती रहीं। मेरा जी चाहता था खूब धाड़े मार मार कर रोऊं और दीवारों से सर टकराऊं या फिर इस घर को आग लगा दूं जो मेरा कैद खाना बन गया था मैं उस दिन को याद करके ऊंचे ऊंचे बैन करके रोई जब मैंने पापा की बीमारी की वजह से अम्मा के मायूसकन ख़त पढ़कर एकदम अमरीका छोड़ने का फैसला किया था और सब कुछ छोड़ छाड़ मुस्तबिल के सुनहरे और रुपहले ख्वाबों को अपने पीछे कश्तियों की तरह जलाकर घर वापस आ गई थी और अब अम्मा मुझे को इल्जाम दे रही थीं दुश्मन की तरह मेरी तबीयत और मेरी आदतों में सौ सौ कीड़े निकालती थीं अमरीका में क्या कुछ नहीं था मौाक़ आज़ादी चाहने वाले लोग निबाह करने को तैयार मेरी रफाकत में मसरत महसूस करने वाले और वो भी तो था मेरा जर्मन दोस्त छुट्टी के दिन अपने कमरे में जो ऊपर की मंजिल में था मुझे मद्दू करता वो गिटार बजाता मैं मशरक़ी खाने पकाती फिर मिलकर हम वाइन पीते जुरा जुरा और अपने अपने मुल्क की कहानियाँ लतीफ़े सुनाते कभी बहस निकलती मौसीकी और आर्ट और खुदा जाने क्या क्या उसके कमरे की खिड़कियाँ झील की तरफ खुलती थीं जहाँ लोग कश्ती रानी करते थे स्केटिंग रिंग थे फवारे थे और पार्क में लोग नहायत पुरानी धुने बजाते थे कभी कभार हम चुपचाप बैठे रहते इतनी खूबसूरती और तकमील में बातें करना बेमानी लगता था बस उस कमरे में उस लम्हे में हम दोनों जिंदा हैं ये बहुत था उसने कभी मुझे नहीं कहा कि वो मुझे चाहता है क्योंकि मैं दूसरों से मुख्तलिफ थी उसे अच्छी लगती थी वो बहुत सीधा था और मुझे कहा करता था तुम अपने देश में जाकर जब किसी से शादी करोगी तो वो बहुत खुश किस्मत होगा में बहुत खूबियां हैं मर्दों को समझने की उन्हें खुश रखने की हम दोनों हंसते रहते वक्त गुजरता रहा और फिर वक्त गुजर गया आखिरी दिन जब हमारा इम्तहान हो चुका था हम वतनों को लौट रहे थे छुट्टियां गुजर चुकी थी गिटार में रुके सब गीत गाए जा चुके थे तो उसने सीढ़ियों के नीचे बड़ी दोस्तारी से मेरा हाथ पकड़ कर कहा था क्या मुझसे शादी करोगी हंसकर मैंने कहा था मैं सारी उम्र खाना पकाकर तुम्हारा जी खुश नहीं कर सकती तुम हमेशा मशरकी खानों के दिलदादा नहीं रहोगे गुजरी हुई सोहबतों और साथ गुजारे दिनों और मोहब्बतों का शुक्रिया वो देर तक मेरी आंखों में देखता रहा जहां हंसी उबल रही थी और मेरे रुखसार इंतहाई सर्दी की वजह से गहरे गुलाबी हो रहे थे फिर उसका रंग फीका पड़ा और जर्द हो गया और वो कुछ कहे बिना ऊपर की तरफ बढ़ गया और मैं भारी कदमों से लौट आई अब बहुत देर हो गई थी उसने इतने लंबे अरसे में कभी भी तो इशारे से किसी लव से ये तक ना कहा था कि मुझे चाहता है हम बहुत अच्छे दोस्तों की तरह थे ये मेरा वहम था कि उसका रंग उड़ गया था और कुछ कहे बिना मुड़ जाने का जवाब ये था कि उसे जल्दी थी मैंने जहन में बेकार की तस्वीर कशी कभी नहीं की सर को झटक कर मैं शाम की फ्लाइट से वापस वतन आ गई और इस डर से मबादा मुझे कोई लौटा न दे मैंने उसे लौटा ही दिया हाय बर्बाद शुदा मैं कुछ दिन अम्मा और मैं रूठे रहे शहरी अम्मा के बुलाने पर भी उनकी तरफ न जाता मेरे सिवा उसे किसी से कोई सरोकार ना था अम्मा खूब जिज्बिस होती मुझे कोसती एक दो बार उन्होंने शहरी को हल्के से थप्पड़ भी मारे वो पिटकर आता और मेरे पाँव के करीब नहायत सादतमंदी से बैठ जाता जबान निकाले सर हिलाता हुआ डरा हुआ बेबसा और मुझे उसकी गरीबुल वतनी पर प्यार आता फिर मैं उसे समझाने लगती देखो शेरी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो ये बुरा और जुदाई का जमाना है गुजर जाएगा फिर तुम अपने वतन लौट जाओगे जहाँ ठंड होगी तुम अपने नर्म और गर्म बिस्तर में लेटोगे तुम्हारे साथ नूर खेला करेगी वो तुम्हें नहलाने ले जाया करेगी और तुमसे बहुत प्यार करेगी असल मोहब्बत जिसमें दिल का फूल खिलता है और कोई तुम्हारी पिटाई नहीं कर सकेगा तुम नूर के पास हर जलने वाली आंख से महफूज रहोगे उसकी आंखों में आंसू होते और वो मेरी टांगों से अपना सर मलता मेरे पाँव को सूंघता क्या वो अभी तक नूर और महर और रुस्तम का पेट था क्या उसके जाने से मैं उदास नहीं हो जाऊंगी मैं सर को झटकती मुझे पराय शेरी से जो महज वक्त गुजारी के लिए यहाँ भेजा गया था इस लगाव का कोई हक नहीं मैं उठकर ऊपर के कामों में लग जाती वो मेरा पीछा करता मैं कहती शेरी मेरे पीछे मत आओ वहीं बैठो वो अपनी शफाफ निगाहों से मेरी तरफ तकता रहता अजीब मखमसे में फंस गई थी मैं जब वो नूर को देखेगा तो उससे भी यूं ही चाहेगा ये उनत का चक्कर भी क्या है भला मैं इंसानी फर्ज समझकर उसकी देखभाल करती रही उसे नहलाने ले जाती रही उससे बातें करती रही ताकि वो तनहाई महसूस न करे चंद दिनों के लिए मुझे किसी दूसरे शहर जाना पड़ा फिर दोस्तों की जिद की वजह से दो चार दिन और रुकी रही घर में मेरा था ही क्या अम्मा जिनसे अक्सर बात बे बात मेरा झगड़ा हो जाता था वो मुझसे खाही न खाही उलझती थीं और मैं भी उनकी बात बर्दाश्त नहीं करती थी रसाकशी चलती ही रहती मैं उन्हें एक भारी बोझ लगती थी जिसे महसूस करके उनका जी दहलता था वो ढूंढ ढूंढ कर मुझमें कोताहियाँ और खामियां निकालती मेरे अकेले पन को मेरी बदनसीबी शुमार करती असल हिसाब तो आदमी का अपने से होता है और अम्मा के अपने हिसाब में कहीं गड़बड़ जरूर थी मुझे देखकर आहें भरती बहुत उदास उदास रहती मुझे कुछ भुलाने ही न देती हालांकि उनकी दूसरी बेटियां उनके बेटे और बहुएं कोई साल दो साल में एक आध बार ही इस घर में झांकता था वो उन सबको याद करके रोती रहती उन्हें पुकारती खत लिखती उनके लिए दुआएं करती और मैं गुस्से के मारे अपने कमरे में उबलती और जलती रहती आखिर मुझे इसी कैद खाने में वापस आना होता था मेरी वाहद पना गाह था भोंक भोंक कर शहरी ने बुरा हाल कर लिया खुशी से पागल हो गया मेरा बैग अपने कब्जे में कर लिया पर उसको मारे गुस्से के कालीन पर घसीटता रहा सोफे पर चढ़कर बैठ गया और मुझे कोने से बाहर जाते देखकर कूदकर कंधों पर दोनों अगले पाँव से लटक गया अजीब दीवाने पन से रोता रहा जैसे खुशी के बोझ तले नहायत परेशान हो रात जब मैं लेटी हूँ दिन भर की धूल झाड़ कर खयालों की यूरिश से बचने के लिए मैंने करवट बदली तो शहरी आंखें बंद किए मेरे साथ लेटा था मैं हौले हौले उसके सर पर हाथ फेरती रही तमानियत सुकून और राहत के शदीद एहसास के साथ फिर वो और करीब आ गया और उसने सर मेरे सीने के साथ लगा दिया मुझे वो लड़का याद आया जो बहरी सफ़र के दौरान जहाज के अरशे पर मुझे मिला था आगाज शबाब में कदम रखता हुआ अल्लड़ सा शर्माया हुआ सा वो हवाखोरी के दरमियान मुझसे बातें किया करता बच्चों की सी बेजर बातें समंदरों और हवाओं तूफानों और लहरों की बादलों और आंधियों की झक्कड़ों और समंदरी मखलूक की दरियाओं और पहाड़ों से उसे इश्क था रंग उसे बेहद पसंद थे मुझे खूबसूरत कपड़े पहने देख कर खिल उठता फरमाइश करता कि कल मैं नीले रंग की साड़ी पहनूँ यह बेजरर सी ख्वाहिश मुझे भी खुश करती उसे फूल अच्छे लगते थे मुझे कहता इस रंग में तुम डेजी लग रही हो अजीब दीवाना सा बच्चा था वक्त समझदार भी और सीधा भी एक शाम उसने फरमाइश की कि मैं उसके साथ नाचूं। लहरों की तेज मौसीकी पर हम कदम से कदम मिलाए ऊपर बाहों के सहारे झूलते रहे और जब हम एक निस्बतान तारीख गोशे में गए तो उसने अपना सर मेरे सीने से लगा दिया मुझे अपने कमजोर बाजुओं के हल्के में ले लिया और मुझसे उसी तरह लगा खड़ा रहा अजीब कैफियत थी सुकून की लहरें सरशारी के साथ उसके सर से निकलकर मेरी सारी हंसी को हलकोरे दे रही थीं। समंदर की तरह उसकी मासूम चाहत ने मुझे अपने घेरे में ले लिया मुझ पर से गुजरने लगी सीप में बंद मोती की तरह वक्त की मौजें हम पर से बहती रहीं और अब शेरी मेरे सीने से लगा था आंखें बंद किए घबरा कर मुझ में सुकून ढूंढता हुआ ये नूर का और मेहर का और रुस्तम का नहीं मेरा शेरी था और मैंने तहिया कर लिया कि अब इसे कभी नहीं लौटाऊंगी हरगिज नहीं तातीलात और शदीद गर्मी के दिनों में वो लोग अम्मा से मिलने आए शेरी को देखकर वो हैरान रह गए इस एक साल में उसने खूब कद निकाला था उसके डर की वजह से किसी अजनबी को घर में आने की जरूरत ना होती लोगों ने आना कम कर दिया था अम्मा सख्त खफा थी आखिर सीजर भी तो इस घर में रहा था उन दिनों खान साहब जिंदा थे और उसे उन्होंने सर पर नहीं चढ़ाया था मेहर से कहने लगी अजीब जंगली हो गया है तुम अब इसे अपने साथ ले जाओ मैं चुपके से ये सब सुनती रही मेरी तरफ मुड़कर कहा जब तुम घर नहीं होती हो और मैं इसे खाने को कुछ चीज दूं तो बिल्कुल नहीं खाता कुछ पर भोंकता है और बरामदे में बैठा रहता है जब तुम आती हो तो ये दिखाई देता है चाहे बिल्लियां घर में फिरती रहें और आवारा कुत्ते दौड़े लगाते रहें मगर असल मालिकों के आने पर भी शेरी ने कोई खुशी का इजहार नहीं किया दुम हिलाकर उनके गिर्द नहीं घूमा नूर से भी बस वाजिबी सा इजहार मोहब्बत किया वो खींच कर बाहर ले जाती तो चला जाता और फिर फौरन आकर मेरे पलंग के नीचे घुस जाता वो चीखती हुई महर से कहती मामा शहरी बहुत बदल गया है बिल्कुल जंगली हो गया है और महर कहती तसल्ली रखो बच्चे अब हम इसे साथ ले जाएंगे तो इसकी पुरानी खुशतबई और कराएगी ये तुम्हारा प्यारा शहरी बन जाएगा मैं चुप रहती उनके इरादों पर जी ही जी में हस्ती और कुर्ती भाई क्या मैंने मेहर को मना किया था कि वो इसे यहाँ न भिजवाए और मैंने उसका क्या बिगाड़ा था ये हमदर्दी का अनदेखा रिश्ता जो उसके और मेरे दरमियान कायम हुआ था उसमें हालात का दखल न था शहरी का और न मेरी मर्जी का जैसे वक्त के समंदर पर बहते दो तिनके किसी तुंद हवा के जोर से एक दूसरे के साथ पेवस्त हो जाएं। मोहब्बतें जो मुझसे की गईं उनमें मेरी मर्जी तो शामिल न थी मेरे लिए तो अब हर शय बेकार थी और फिर किसी ने मुझे इतना कब चाहा था कि मैं उसके दामन से लग जाऊं मुझे उस रात की अपनी जर्द रोती हुई सूरत अक्सर याद आई वो कौन थी जिसके आंसुओं में उसका दिल बह गया टुकड़े टुकड़े होकर एहसास जिल्लत से लौटाए जाने के दर्द से अब भी बेताब हो जाती थी उस दिन गर्मी सख्त थी नूर और रुस्तम शहरी को नहलाने ले जाना चाहते थे मुझे दखल देने का कोई इख्तियार तो नहीं था मगर मैंने कहा था नूर अभी न ले जाओ, दिन को को जरा ठहरने दो, दो, शाम को आने हवा में फिर हो ले फिर जाना। उसने कंधे उचकाए, बाप की तरफ देखा और शेरी को मेज के नीचे से निकालने के लिए उसने कॉलर को खींचा शेरी ने जिच होकर और कोई राह फरार ना पाकर उसके हाथ पर काट लिया मेहर ने चीख चीख कर घर को सर पर उठा लिया सब एक साथ चीख रहे थे नूर शिकस्त और तकलीफ के एहसास से ज़मीन पर लेट रही थी अम्मा ने जो उनके जी में आया कहा अगली तमाम तलखियाँ उन्हें याद आ गईं खूब खूब उन्होंने मुझे कोसा और घर में फंसा एकदम सख्त कशीदा हो गई शहरी ने लेट कर सख्ती से सर मेरे सीने के साथ लगा दिया वो शायद अपनी गलती पर नादिम था और अपने आप को इतने शोर वोल का कसूरवार समझता था तुम बेवकूफ़ हो बच्चे वो आखिर चले जाते नूर ने बहरहाल तुमसे ज्यादती की है तुम बहुत जल्द पास हो वो दम सादे पढ़ा रहा मेरे हाथ के नीचे बिल्कुल साकिन और सोया हुआ और नहायत खुश सरगोशियों में बातें होती मुझसे हर बात छुपाई जाती अम्मा की और मेरी बोलचाल बंद थी हम दोनों मैं और शेरी, कोयाजा बरदरी बाहर कर दिए गए थे खाना दो मरहलों में खाया जाता या फिर मैं अपने कमरे में खाती और शेरी को भी वहीं खिलाती जब मैं काम पर चली जाती तब भी कोई उसको नहीं बुलाता था आखिर वो कब तक मेरी पनाह में रहेगा आखिर उसे उनके साथ ही तो जाना था जैसे जैसे उनकी रवानगी के दिन करीब आ रहे थे मेरा इरादा भी पुख्ता हो गया था मैंने अपने शेरी के लिए रेल में सीट बुक करवाई सामान अपनी एक दोस्त की मार्फत स्टेशन भिजवाया उस दिन शाम को मामूल के मुताबिक मैं उसे टहलाने के लिए बाहर ले गई और हम मुखालिफ में अपने सफर पर रवाना हो गए जब उन्हें पता चला तो क्या हुआ ये अलग दास्तान है उनकी हाव हू का नतीजा ये हुआ कि महर ने अदालत में हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मेरे खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया जो उसके चले जाने और अदम पैरवी की वजह से बिलाखिर खारिज हो गया शेरी और मैं मरी से लौट आए अम्मा कुछ दिनों सख्त खफा रहीं फिर जब बर्फ पिघली और शदीद तन्हाई ने उन्हें हिरासा किया तो कहने लगी अच्छा हुआ शहरी नहीं गया थोड़ी रौनक रहती है मैं अम्मा से क्या कहती कि अम्मा इस ढंडार बेकार जिंदगी में इस खाली घर में मेरे आने पर कोई तो होता है जो मोहब्बत से मेरी राह देखता है उछलता कूदता इजहार शौक करता और मेरे पीछे फिरता है मेरे कदमों पर लौटता है मेरे सीने पर सर रख कर मुझे सुकून देता है हुमक कर मेरी बाहों में आने की कोशिश करता है मुझ पर इतना हक समझता है भला टूट कर ऐसा कभी किसी ने मुझे चाहा है मिलने वाले कहते हैं जैसा तुम शरीर को चाहती हो ऐसा तो बहुत कम माएं अपने बच्चों को चाहती हैं मैं उनकी आवाज़ में छुपे तंज को समझती हूँ मगर यही मोहब्बत तो अब मेरी जिंदगी है वो मेरा महबूब मेरा हमदम मेरा साथी है जब सब तरफ सन्नाटा होता है तो उससे अपने दिल की बातें कहती हूँ उसको भूली हुई चाहतों के तस्करे सुनाती हूँ मोहब्बतें जो मुझ तक पहुंच ना पाई और छिन गईं लगाओ जो मेरा मुकद्दर ना बन सके वो सारे गुजरे नौहे जो जाने वालों के लिए मेरे दिल में बंधे मैंने शरी को सुनाए उसके सीने में मेरे राज हैं वो मुकम्मल साथी है चुपचाप मुझे काम में मुनहमिक देख कर तारस न करने वाला मेरी कैफियत, मेरी खुशी गम सब उस पर आया वो नब्स की तरह मेरे दिल के साथ धड़कता हुआ इंसानों की मोहब्बत में ये गर्म जोशी और खुद सुपुर्दगी कहाँ होती है शेरी तो मेरे लिए जान से गुजर सकता है मेहर के साथ मुकदमे के सिलसिले में मेरी एक मजिस्ट्रेट से मुलाकात हुई मेरे कामों में उसने बहुत दिलचस्पी ली फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी मुलाकातें बढ़ीं मैं अपने दफ्तर से आते हुए या उधर से गुजरते हुए उसके पास चली जाती कॉफ़ी का प्याला लेकर इधर उधर की गप होती शहरी की बातें उसकी जहानत उसकी चालाकियाँ घर में उसकी रौनक जिंदगी में उसका मकाम वो सुनता और दिलचस्पी से ये सब सुनता मगर उसने कभी ये नहीं कहा कि वो शेरी को देखना चाहता है अजीब आदमी था अब मैं उलझने लगी थी भला वो क्यों नहीं देखना चाहता हमारी दोस्ती बढ़ती भी रही और उसमें दरार भी पड़ती गई मेरा जी चाहता वो मुझसे शेरी की बातें पूछे फिर मैंने महसूस किया कि जब मैं शेरी की बात करती हूँ तो वो तवज्जो से नहीं सुनता कोई इधर उधर कहानी सुनाने लगता है अपनी ज़िंदगी के खलाओं का जिक्र अपने दुखों और अरमानों का तस्करा अपनी दायमुल मरीज़ बीवी की बीमारी के अजाब के किस्से अपनी तन्हाई के कर्ब का अफसाना अपनी खाली खुली बेकार जिंदगी का अलमिया जिसमें पारसाई और बेरंगी के सिवा कुछ न था ख्वाबों और परछाइयों की सी दास्तान पता नहीं वो मुझे क्या कहना चाहता था क्या समझाना चाहता था मैं जो खुश वक्ती गप और जहनी आसूदगी के लिए उसके पास चली जाती थी उसकी क्या मदद कर सकती थी भला क्या हल्की फुल्की दिलचस्पी का धारा किसी और रुख पलटना चाहता था एक दिन उसने पूछा तुम शहरी से एक जानवर से इतनी शदीद बेपना मोहब्बत क्यों करने लगी हो जबकि कई और इंसान इससे ज्यादा तोज्जो के मुस्तक और मतमी हैं उसकी हंसी बड़ी मानी खेज थी पहली बार मुझे शदीद जहनी धचका लगा और पता है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं तुम्हारे मुतालिक उसने आंखें झुकाकर कहा लोग किस किस की कहानियां नहीं कहते जनाब मैं खड़ी हो गई मैं कांप रही थी गुस्से और रंज से दिनों में उधर से नहीं गुजरी फिर सुना उसका तबादला हो गया उस साल गर्मी शदीद पड़ी लगता था कयामत इससे ज्यादा क्या होगी रेत के झक्कड़ चले आसमान जर्द गर्द के बादलों के पीछे छुप गया था जो ना बरसती थी और ना हटती थी बस अजीब रेजा रेजा होकर वजूद को दहकाती थी और घुटन इतनी थी कि सांस रुकता हुआ लगता था कमरों में भी पनाह न मिलती मैं शहरी को देखती कि उसकी आंखें जर्द हो जाती हैं वो बहुत कम जागता और नहलाए जाने के बावजूद गर्मी की लपटें उसकी सांस से निकलती बर्फ़ का ब्लॉक मंगवा कर मैं कमरे में रखती आग बरसाता हुआ पंखा और कूलर कुछ न कर सकते शहरी दिन ब दिन घुलता जा रहा था मैं उसे तसल्ली देती जी से लगाती शरी हिम्मत पकड़ो ये जरा से सख्त दिन है निकल जाएंगे मौसम बदलेगा घर छट जाएगी मज़ेदार सर्दी आएगी अब के देखना खूब हड्डियों का गुदा जमाने वाली ठंड पड़ेगी तुम्हारे वतन की तरह मेरे लाडले मैं तुम्हारे लिए कुड़ने के सिवा और क्या कर सकती हूँ अगर अम्मा का बुढ़ापा ना होता घर में कोई और होता मेरे वसाइल होते तो मैं तुम्हें किसी ठंडे पुरसकून खत्ते में ले जाती मेरे चांद हौसला रखो मैं उसके सुनहरे बालों पर हाथ फेरती जो उसकी खाल को छूते तो बुखार का एहसास होता वो जरा सी उफ उफ करता मैं बेताब होती मैं क्या कर सकती थी अपने प्यारे के लिए इस अजनबी के लिए इस परदेसी के लिए महर का तार आया रुस्तम की तबीयत सख्त खराब थी वह अस्पताल में था नूर अकेली थी और परदेस में थी अम्मा को बुलवाया था अम्मा ने कहा तुम चली जाओ आखिर बहन हो मुझसे तो हिला ही नहीं जाता मैं उसके किस काम की होंगी पिछली बातें भूल जाओ उसे माफ कर दो शेरी को इस हाल में छोड़ते हुए मेरा दिल उथल पुथल हो रहा था मगर मजबूरी थी हाय मैं क्या करूं अम्मा ने कहा तुम फिक्र ना करो मैं यहाँ घर पर उसकी खूब देखभाल कर लूंगी रवाना होने से पहले मैंने बर्फ वाले को ताकीद की कि वो रोज ब्लॉक खुद कमरे में रख जाया करे अलमारी में तकरीबन सामने मैंने दवाइयाँ बिस्किट ज़रूरी सामान रख दिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर ढूंढने में तकलीफ ना हो जाते हुए मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था मैं दरवाजे में से पलट आई शेरी आंखें मूंदे लेटा था और गर्मी की शिद्दत से तप रहा था सीने से लगाकर मैंने उसके कान में कहा शहरी मैं जल्द लौट आऊँगी घबराना नहीं बस यूँ समझो मैं गई और आई जद्दा में खिलाफ तो मुझे ज़्यादा दिन ठहरना पड़ा रुस्तम पर दिल का जान लेवा दौरा पड़ा था और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाब हो रहा था अम्मा का फ़ोन आता महर नेत धीमे शुरू में बात करती बड़ी गमनाक होती मुझे भी उस पर तरस आता कभी कभार कहती अम्मा तुम्हारा पूछ रही थी खैरियत से थी रुस्तम के लिए नहायत फ़िक्रमंद थी मगर अपनी सेहत की वजह से नहीं आ सकती मैं उसे यह ना कह पाती कि अब के जब अम्मा का फ़ोन आए तो शेरी का भी पूछ लेना जिस दिन डॉक्टरों ने इतमान का सांस लिया और रुस्तम की हालत को ख़तरे से बाहर करार दिया महर की आंखों में खुशी के आंसू और उसके चेहरे पर रौनक आई मैंने उसके मना करने के बावजूद अपनी सीट बुक करवा ली आखिर जल्दी क्या है तुम्हें अम्मा की खैरियत तो मालूम हो ही जाती है यहाँ से तार देकर छुट्टी बढ़वाई जा सकती है बस अब मैं जाना चाहती हूँ शेरी बीमार था अपनी सारी कमीनगी को आवाज में भर कर उसने कहा ओ और फिर पलट कर तेजी से कहने लगी अगर वो ना रहा तो तुम बेवा तो नहीं हो जाओगी मैं उसके घर में उसके शोहर की तीमारदारी के लिए मुसीबत में शरीक होने की खातिर इतनी दूर से आई बैठी थी और वो मुझे शहरी के ताने दे रही थी बिना ऐसे मजीद बात किए मैं सामान लेकर एयरपोर्ट आ गई घर में सब तरफ अजीब सन्नाटा था हालांकि दिन के तकरीबन दस बजे थे अम्मा अभी तक सोई हुई थी कमरों में इधर उधर देखती शेरी को पुकारती मैं अंदर आई शेरी अपने वजूद का साया सा लग रहा था सहमा हुआ घुला हुआ उसके पास झुककर मैंने पुकारा शेरी देखो मैं आ गई हूं नकाहत की वजह से उसकी आंखें नहीं खुली हल्के से उफ करके रह गया मैंने उसके सर को सहलाया शेरी शेरी मैंने जोर से पुकारा अम्मा कहने लगी तुम्हें मैंने मेहर से कहलवाया तो था शेरी सख्त बीमार है वो भी दुखी हो रही थी मैं भागी डॉक्टरों को फ़ोन किए दुआ करती रही खुदा से मैंने कहा देख अगर तूने मुझसे शेरी ले लिया तो मैं तेरी हस्ती में यकीन करना छोड़ दूँगी अगर तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तेरा ख्याल है तेरी इस दुनिया में मोहब्बत की रोशनी के बिना पर जिया जा सकता है इतने गहरे अंधेरे तूने बनाए हैं क्या उजाले की एक किरण देने का बुखल भी नहीं करना चाहता तू सुनता है कि नहीं ये चाहने वाली आंखें हैं इन्हें ना कर उल्फत भरा दिल है इसे धड़कने के लिए छोड़ दे मगर वो आसमानों पर कहीं दूर बैठा जाने किस ताने में कौन सा बाना पेरोने में मगन था कि उसने मेरी बात सुनी ही नहीं पता नहीं वो क्यों मुझसे खफा था कि उसने मेरी तड़प का कोई जवाब ही नहीं दिया डॉक्टरों की सारी भाग दौड़ बेकार गई महर, मैं बेवा हो गई अम्मा ने कहा वो तो तुम्हारे जाते ही सख्त बीमार हो गया था मैं बे थी मगर पता नहीं कैसे इतने दिन तुम्हारे इंतजार में जी लिया अपने तौर पर मैंने डॉक्टरों से इलाज करवाया था तुम समझती नहीं हो मुझे भी उसकी बहुत परवाह थी बड़ी रौनक रहती थी उसकी वजह से मेरा दिल एक वीराना था जिसमें तेज गमनाक आंधियों के शोर के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था अजियत और बेचारगी ने मेरे दिल को मसल कर रख दिया ये एक झाका अजाब था जिसका इससे पहले मैंने कभी तजर्बा नहीं किया था तब भी नहीं जब मैंने उसका दिल जेबा की तरफ से अपनी तरफ लगाना चाहा था बेखाब रातें तारीख दिन सिर्फ एक ही ख्याल था हाय शेरी ने मेरे लिए कितनी अजीयत बर्दाश्त की आखिर क्यों की और अब वो सब मुझे याद आते हैं शेरी के पीछे वो सब वो जो कभी मेरी राहों से गुजरे मैं जो कभी उनकी राहों में आई क्या आदमी इतनी बेरिया बेलॉस बेपाया मोहब्बत करने का अहल है